युवा नेता हैं, वो युवा चेहरा हैं और बहुत लोगों के लिए बहुत सारी उम्मीद भी लेकर आए हैं। तो इस सेशन का हमने यही रखा है केंद्र बिंदु में बात करने का कि युवाओं के लिए क्या राजनीति में संभावनाएं बनाई जाएंगी, बन रही हैं, और इस पर चर्चा पहले भी कुछ सत्रों में हुई है, आते जाते हम लोगों ने इसको रेफर किया है, पर हम चाहते हैं कि ये सवाल इसको केंद्र में रख करके हम लोग ज़रूर बात करें, क्योंकि 2021 तक आंकड़ा है कि भारत सबसे ज़्यादा युवा देश हो जाएगा, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और बिहार उन राज्यों में से एक है जहाँ की ये 25 साल की उम्र से कम की तादाद सबसे ज़्यादा हो जाएगी। आप में से कई सारे लोग 25 साल से कम के होंगे, ठीक बोल रहे हैं, हम सामने वालों को नहीं गिन रहे हैं। तो जो भी इस सफ़ेद कुर्सी पे बैठा है और उसके ठीक पीछे बैठा है उसको माइक नहीं मिलेगा, तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो उस माइक के पीछे रहें। बहरहाल कन्हैया, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, क्योंकि बिहार में ये इस तरीके का पहला कार्यक्रम है जहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात रखूँ। उससे कबल आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती है और मान्यवर काशीराम सामाजिक न्याय के एक योद्धा रहे हैं। आज की पीढ़ी को जब आप कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, मान्यवर काशीराम के सपनों का देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को सूचना होगी कि एक दुखद घटना दुनिया में घटी है, प्रार्थना करते हुए, नमाज अदा करते हुए कुछ लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, और ये जो चुनौती है किस तरीके से समाज में नफरत, हिंसा, भेदभाव फैलाई जा रही है, इस पे केंद्रित करके हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। और जब हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति हमेशा समाज को बदलने वाला होना चाहिए। यहाँ अभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और उनसे सवाल जवाब हुआ, लोगों का गुस्सा, नौजवानों के सवाल बहुत तीखे थे, तो हम अब जानना चाहते हैं, आप लोग पिछले 5 घंटे से अलग अलग लीडर्स को सुन रहे हैं, क्या अभी आपको लगता है कि कभी मौका मिले तो आप पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? हाथ उठा के बताएं, आना चाहेंगे? अच्छा, हम बस पीछे एक लड़की ने भी हाथ उठाया था, वो गुलाबी रंग की कमीज में, तो क्या है आपको जो राजनीति में खींचता है? कन्हैया कुमार मत बोल दीजिएगा। मेरा नाम कशिश चंचल है और मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से हूँ। राजनीति में खींचने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार, या जितने लोग अच्छे हैं उससे ज़्यादा लोग भ्रष्ट हैं, बस यही बात है। तो आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हैं या भ्रष्ट बनना चाहती हैं? अच्छा जी, नहीं, भ्रष्ट मतलब पैसा कमाने का भी माध्यम है, हो गया है राजनीति? बिल्कुल नहीं, पैसा कमाने के लिए काफ़ी जरिए है अभी भी, लेकिन भ्रष्ट बनकर राजनीति में आने से अच्छा है अच्छे इंसान बनकर आओ जिससे भला हो सबका। ठीक है, तो आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजनीति में आना चाहती हैं। यहाँ से कोई साथी बोले, हाँ बताइए, आप बता, ऐसे ही आवाज लगा के बोलिए, नहीं क्वेश्चन नहीं, आप राजनीति में किस लिए आना चाहेंगे अगर मौका मिलेगा तो? दे दो उसको भारत, एक सेकेंड, हाँ एक जुमला बोलिए, बस एक लफ्ज। I just want to serve the whole nation or a country. अच्छा, तो आप देश और समाज को सर्व करना चाहते हैं, उनकी yeah. सेवा करना चाहते हैं। yes. ठीक है, तो मोटा मोटी यही सारी बातें जी। yes. आपके पास I just have one question to Kanhaiya Kumar. अभी नहीं सर, okay. अभी तो मेरा भी तो पूछा नहीं ना सवाल, हमने भी नहीं पूछा कन्हैया जी से, मेरी भी पहली मुलाकात है, जरा समझिए। तो ये काफी आदर्श बातें हैं, और जितने नौजवान अगर हर के हाथ में माइक हो तो वो यही कहेंगे, देश बदलना, दुनिया बदलना, समता की बात करना। कहने आप सीपीआई के लीडर हैं? नहीं, लीडर तो नहीं है, कैडर हैं। आप कैडर हैं, तो आपका अगर परिचय यूं रहे कि आप सीपीआई के कैडर हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और एक बहुत भयानक विवाद के केंद्र में रहे, पीएचडी भी कर ली आपने, तो इन तीन उपलब्धियों के बल पर आपको चुनावी टिकट क्यों मिलना चाहिए? नहीं नहीं, ये तीनों उपलब्धि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि पीएचडी करना कोई उपलब्धि नहीं है, दूसरी बात ये है कि सीपीआई का कैडर होना भी कोई उपलब्धि नहीं है, तीसरी बात ये है कि मैं विवाद के केंद्र में रहा, यह भी मेरी उपलब्धि नहीं है, तो मोदी जी की कृपा है।
तो इसका फायदा आपको हुआ कि सीपीआई में पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को इतनी जल्दी एक कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया हो? सीपीआई के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंपथाइजर यहाँ बैठे हैं, वो सवाल सुन रहे होंगे, पर हम ये ईमानदारी से आपसे जवाब जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ लोकप्रिय हुआ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आज लोकप्रिय हुआ हूँ तो वो सीपीआई के विचारों की लोकप्रियता है, वो व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं तो है। फिर सीपीआई क्यों नहीं दिखती है? आप तो लोकप्रिय हैं, लोग आपकी बात पर, हर बात पर तालियां पीटते हैं, और शायद अगर आपको टिकट मिल गया है बेगूसराय से आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, टिकट, पहली बात तो ये है कि टिकट मुझे बतौर उम्मीदवार अभी तक नहीं मिला है। आज तक मुझे सिर्फ रेलवे का टिकट मिला है। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कोई भी उम्मीदवार को कोई टिकट दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है, कोई टिकट नहीं कटता है उम्मीदवार का। ये बोलचाल की भाषा है कि इनको टिकट मिल गया है। हाँ, बोलचाल की भाषा में ही तो आप खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से। हाँ, मेरी उम्मीदवारी को लेकर के सीपीआई की जिला कमेटी ने एक फैसला लिया है, और जिला कमेटी के फैसले को राज्य कमेटी ने अप्रूव करके दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली के द्वारा, दिल्ली की जो हमारी केंद्रीय पार्टी है, वहाँ के जो नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है अभी तक, देखते हैं कि कब हमारा नाम आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अच्छा, और अगर आता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मतलब अगर आता है तो चुनाव लड़ना चाहेंगे, मैं पार्टी का एक कैडर हूँ। पार्टी मुझे कहेगी कि जाओ अखबार बेचो तो हम अखबार भी बेचना चाहेंगे। पार्टी कहेगी जा करके जो है तो पार्टी पर अगर इतनी तुम महिलाओं के लिए काम करो, तुम मजदूरों के लिए काम करो, तुम जो है पार्टी ऑफिस में बैठ करके न्यूज बनाओ, साइकिल लेकर के हर न्यूज चैनल को न्यूज पहुंचाओ, तो वो भी करेंगे। पार्टी जो कहेगी करेंगे, क्योंकि हम उसके कैडर हैं। जी, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। तो पार्टी ने आपको क्यों चुना है? पार्टी ने मुझे क्यों चुना है? अब इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक वो जवाब जो मीडिया को दिया जाता है, और एक वो जवाब जो हम आपसे मीडिया की तरह नहीं बात करना चाहते हैं। पार्टी ने हमको शायद इसलिए चुना है क्योंकि पार्टी ने बताया तो नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी उम्मीदवारी पे चर्चा होती है उसको मीटिंग में नहीं बैठने दिया जाता है, उसके पीठ के पीछे उसके चर्चा होती है, क्योंकि क्या पता लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने लगे, पता चल जाए कि ये हमारी उम्मीदवारी का विरोध किया था, तो आगे उस आदमी के साथ मिल करके आप काम ही ना कर पाए। तो इस तरह के दुराग्रह पार्टी के भीतर ना पैदा हो, आपसी आचरण खराब नहीं हो, इसीलिए किसी भी उम्मीदवार की उपस्थिति में उसकी उम्मीदवारी की चर्चा नहीं होती है। तो मुझे नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली क्या बहस हुआ, लेकिन मुझे अनुमान है कि जब आप कह रही हैं कि भारत एक युवा देश है, और मुझे लगता है कि आपको भी मेरे युवा होने पर कोई शक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपको मेरे युवा होने पर तो शक नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर एक युवा देश है और एक युवा पार्टी के साथ जुड़ा है और पार्टी के सिद्धांतों पर चलना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उसको कंसीडर करेगी। जहाँ तक रही लोकप्रियता की बात, ये लोकप्रियता सस्ती नहीं, बहुत महंगी है। ये बात इस रूप में मैं कह रहा हूँ, पहला तो ये पूरा खेल हमारा था ही नहीं, ये पूरा का पूरा खेल जो है वो मोदी जी का था। और बिहार के लोगों को तो सचेत रहना चाहिए, देश एक मोदी से को झेल रहा है, बिहार दो दो मोदी झेल रहा है, मोदी स्क्वायर। आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ना, मोदी स्क्वायर, स्क्वायर क्यू, तो यहाँ आप लोग स्क्वायर झेल रहे हैं, तो हम एक झेल करके आए हैं। ये पूरा का पूरा खेल सत्ता का है। सत्ता का खेल इस रूप में है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को देश में हो रही सारी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया जाए, जो अपने बचाव में कुछ बोल ना पाए। जैसे नेहरू जी, उनकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है, हम तो कम से कम यहाँ आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं, नेहरू जी का पक्ष कौन रखेगा? मुंबई में पुल गिर गया, कुछ लोग नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया यूएन, और उसमें चाइना ने खिलाफ में वोटिंग की, बिटो का इस्तेमाल किया, लोग नेहरू जी को कोस रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जब झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो कान में कह देते कि मसूद अजहर को इस बार कर दीजिएगा आतंकवादी घोषित। एक सवाल मेरा ये बनता है कि आखिर आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? आपकी टाइमलाइन भरी रहती है। राहुल गांधी के खिलाफ आपने कभी एक लफ्ज नहीं बोला,
तो हम पहले ये बात जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की क्या दिक्कतें हैं, अब गिनाइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइन दे रहे हैं आप। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ख्याल है मुझे, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई संविधान के मूल्यों को स्थापित करने की है, और मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, तो जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो अपने खिलाफ इस बात को समझ लेते हैं, और इसको मैं इस रूप में कहता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है। इस देश में अंग्रेज जो काम अधूरा छोड़कर गए थे, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले उस काम को आज पूरा कर रहे हैं। देश की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप अगर 1947 के बंटवारे का तुलना करेंगे आज की परिस्थिति से, तो आपको लगेगा कि देश ज्यादा खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा है जी। हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है, इंसानियत को हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे हैं। अगर आप किसी आतंकवादी घटना की आलोचना करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ वो वाला जो आतंकवादी घटना हुआ था तुमने उसकी आलोचना क्यों नहीं की थी जी। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैंने अपना पक्ष डिसाइड किया है। हमारा पक्ष किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे पास कोई निगेटिव एजेंडा नहीं है, हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान है, और वो कॉन्क्रीट प्लान ये है कि इस देश के संविधान को लागू किए हुए इतने साल बीत गए हैं, वो जो शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, बराबरी, ये महज शब्द नहीं है, ये किसी भी देश को जोड़ के रखने का मूल्य है जी। उस पे तो चलने का नहीं, यही रोकना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, संविधान की बात कही और ये मूल्यों की बात कही जो आप कह रहे हैं कि इस देश को जोड़ के रखता है। तो जे देश की जनता जो कि जाती है वोट देने, उसको इसकी परवाह तब नहीं होगी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इसकी परवाह करती है, तो जाहिर है जब आपकी पार्टी इस पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नगण्य हो गई है, उसकी कोई तो वजह होगी। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर हमारी पार्टी इतनी नगण्य हो गई है, फिर तो भाजपा को लड्डू बांटना चाहिए, तो इसमें उनको खुश होने की बात है। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई पार्टी अपने विचारधारा के बदौलत जिंदा रहती है। अगर हमारी विचारधारा न्यायपूर्ण है और शोषित जनता के लिए आवाज़ उठाने वाली है, तो उस विचारधारा को कोई मार नहीं सकता है। कई बार क्या होता है मैडम कि गधा जब घास को चर रहा होता है तो बहुत जोर जोर से उसको उखाड़ता है, और उसको लगता है कि वो दुब्भी को, बिहार में दुब्भी कहते हैं उस घास को, कि जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन अगली बार गधा फिर उसी मैदान में चरने के लिए आता है। विचारधारा जो हमारी है वो शोषण के खिलाफ है, और जब तक समाज में शोषण रहेगा, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई भी रहेगी। और जहां तक प्रासंगिकता का सवाल है, मैंने पहले ही कहा आपको कि मुझे यूं ही पकड़ करके जेल में नहीं डाल दिया गया है, कल को आपको भी नक्सली और देशद्रोही कहा जा सकता है। आप तर्कपूर्ण बात करना शुरू कीजिए। आज के डेट में इस देश में किसको देशद्रोही नहीं कहा गया? अमर्त सेन को देशद्रोही कहा गया, फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं को देशद्रोही कहा गया, तो पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया। ये परिपेक्ष तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हमारी विचारधारा जो है, मैं ये बात कह देता हूँ, हमारी विचारधारा जो है वो विचारधारा अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने की नहीं है। ईमानदारी से आप इस बिहार में, आप इस बिहार में, वही बता रहा हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी छह महीने में जो घटनाएं घटी है उससे संबंधित जो काम है मैं उसको बता देता हूँ, बाकी हम इतिहास में नहीं ले जाएंगे आपको। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड जब हुआ, सबसे पहले बिहार में सारी लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर के बिहार बंद का कॉल दिया, और कांग्रेस और आरजेडी ने उस बंद में पूरे तन मन से जो है वो शामिल हुए, और तब जाकर के ये मुद्दा एक राष्ट्रीय फलक का मुद्दा बना, इतना राजनीतिक दबाव बना कि नीतीश जी को अपनी एक मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। ये होती है आंदोलन की ताकत। दिक्कत हमारी आज ये हो गई है कि हम किसी भी विचारधारा या पार्टी को उसके पास कितना विधायक और कितना सांसद है सिर्फ इस बात से उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। पर वो एक बहुत डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये तो एक बहुत बड़ा मानक है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं कि आपके पास है कि नहीं? एक कदम आगे इसको बात करें, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, पुरानी बात तो नहीं करेंगे ना। हमारे देश में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक प्रॉब्लम यह भी है कि ज्यादा सीट आरजेडी के पास है, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं,
इसको समझिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि सारे लोग जो वोट किए हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। मैं इस देश में यदि राजनीति करूंगा तो चुनाव सुधार के लिए भी राजनीति करूंगा। और उस चुनाव सुधार कौन खड़े हैं कि नहीं, सवाल वही है। आप ये बताइए कि आपकी ताकत लड़ाई लड़ने के लिए भी, कल आपको सोशल मीडिया पे गाली पड़ने वाली है, आप हमारे साथ खड़े होंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। आप देख लीजिएगा। पर इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आप कन्हैया कुमार सीपीआई के कैडर हैं। नहीं, आप न्याय के साथ खड़े होइए, आप बराबरी के साथ खड़े होइए। आप मोदी जी को सामने बिठा करके पूछ लीजिए कि उनको सामाजिक न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी कहेंगे कि चाहिए। हाँ, पर तो मोदी जी आज सत्ता काबिज है ना, आप वो बात करके भी सत्ता काबिज है, और 2019 में क्या होगा हमें नहीं पता है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बताइए, आप अगर थोड़ा सा बात को छुपा के कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। सत्ता में, चुनाव में धन का, बल का, बाहुबल का, मीडिया का, तंत्र का कैसे इस्तेमाल होता है, क्या ये बिहार की जनता नहीं जानती है? नहीं, पर ये आप सब जानती नहीं, है, तो लेफ्ट पार्टी, सर, लेफ्ट पार्टीज इस बात का हवाला देकर कब तक ये दुहाई देती रहेगी कि मेरे हमने धन बल और फलान ढिकान इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारे पास, हम आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिल्च है, ऑलमोस्ट जीरो है। आप हमको मैम, फैज अहमद फैज की एक बहुत अच्छी नज्म है, मौका मिले तो सुनिएगा। हम देखेंगे लाजिम, लाजिम है कि हम पूरी सुना सकते हैं, हम देखेंगे, हमको हम पूरी नज्म याद है कि हम कब तक नहीं कहेंगे कि हम देखेंगे, पर वो कब देखेंगे भाई? ऐसा थोड़ी है कि आप अनंत काल तक सिर्फ इसी फैज अहमद फैज की आप कब तक रोटी सेकेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी 1980 में बनी है, 2018 में, 2019 में, आज लोगों को ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा और कोई सच ही नहीं है। इस देश का इतिहास 1980 से नहीं शुरू होता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी लोग हमको बता दें कि बिहार में लेफ्ट पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, रही थी। माननीय लालू जी जब पहली बार सीएम बने थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का साझा सरकार था उनके साथ। बिल्कुल। हम अब ये अब अपने दोस्तों से जो यहाँ बैठे हैं और कुल बुला रहे हैं सवाल पूछने के लिए, हम लोग कई बार प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। नहीं, हम ये सवाल आप तक लाएंगे, पर एक सवाल उससे पहले पहले कि जितनी खबर आ रही है 4-5 सीटें पर जो सीपीआई लड़ने वाली है, ये खबर है और जाहिर है पुष्ट जानकारी नहीं है, तो एक खास जाति वर्ग के ही लोगों को इन सभी सीटों पर टिकट दिया गया है, ये मात्र संयोग है या सीपीआई जैसी पार्टी भी जातिगत पॉलिटिक्स में अब और जाति को ध्यान में रखकर के राजनीति कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सीपीआई कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की है, लेकिन आज जिस तरीके का डिस्कोर्स समाज में चल रहा है, स्वाभाविक रूप से इस तरीके का सवाल सीपीआई से पूछे जाएंगे, उससे भी जातिगत सवाल पूछे जाएंगे। सीपीआई के ट्रेनिंग का आप प्रॉब्लम कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए कि उनको कास्ट के आधार पर पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं किया जाता है। आप पटना में बैठे हुए हैं, मैं एक बात बताता हूँ, रामावतार शास्त्री वन ऑफ द पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, कोई हमको जाति बता दीजिए, यहाँ आप बता दीजिए क्या थी उनकी जाति, रामावतार शास्त्री की जाति बता दीजिए। नहीं पता। नहीं पता है ना, यही तो बात है। रामावतार शास्त्री यादव परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हम में से कौन एप्लीकेशन दिया है? हम एप्लीकेशन दिए हैं कि मेरी जाति क्या होगी? आप एप्लीकेशन दिए हैं? पर ये तो बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है बात करने का कि हम तो जाति, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है लेफ्ट मूवमेंट की कि आप कभी कास्ट स्ट्रगल को समझे ही नहीं, आप क्लास स्ट्रक्चर में ही फंसे रहे। यही पर मणिकांत ठाकुर जी को शामिल करना चाहेंगे क्योंकि ये सवाल वो बहुत देर से पूछना चाह रहे थे आपसे। मणिकांत जी को अगर एक माइक दिया जाए प्लीज। मणिकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उसके बाद साथियों कन्हैया कुमार और आप, हम इस बीच में नहीं रहेंगे। हाँ, शुक्रिया रूपा। ज्यादातर लोगों का ख्याल है, ख्याल माइक को यहाँ कर दीजिए, ज्यादातर लोग जानते हैं कि वर्ग संघर्ष वाली वामपंथी राजनीति को जातीय संघर्ष वाली राजनीति ने हाशिए पर खिसका दिया, और बिहार में हम लोगों ने देखा है। अच्छा, बोलिए, इसी जवाब देंगे। इसी संदर्भ में एक कड़वा सच भी सामने है, और वो आपके संदर्भ में भी वो सवाल आता है, वो ये कि अगर बेगूसराय भूमिहार बहुल इलाका नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी भी आपको वहां अपना प्रत्याशी बनाती? आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि झूठ सुनते सुनते हम झूठ को सच मानने लगे हैं कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। एक बात बताइए सर, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं,
रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, लेनिन की क्या जाति थी, रूस क्यों टूट गया, रूस का विघटन हुआ कि नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई ना, जाति के चलते चली गई। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये निपट मूर्खता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की विफलता को हम जाति से जोड़कर देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अगर विफल हुई है किसी चीज में तो वो समाज को और आंदोलन को समझने में विफल हुई है। समाज जिस तरीके से बदला है उस तरीके से आंदोलन का रंग रूप बदलना चाहिए था। जनशक्ति इसी पटना में बिहार का सबसे लीडिंग अखबार हुआ करता था और एक से एक उसके पत्रकार निकल करके अलग अलग पार्टियों में अपना कैरियर बनाए, राज्यसभा पहुंचे। लेकिन आज जब आप जनशक्ति जाएंगे तो उसकी मशीनें सर रही हैं। मुझे अपनी आत्मालोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आत्म आलोचना हम स्वीकार नहीं करेंगे, सही आलोचना कीजिए। जनशक्ति को अगर समय के साथ बदला जाता तो इसी तरीके का कॉन्क्लेव जो है वो बीबीसी नहीं जनशक्ति आयोजन कर रहा होता। ये जो पूंजी का खेल है, पूंजी जिस तरीके से रीस्ट्रक्चर हो रही है उससे जिस तरीके का नया क्लास पैदा हुआ, जिस तरीके से नया आइडेंटिटी क्रिएट हुआ, उसको समझने में, समाज को समझने में और फिर उसके आधार पे टेक्टिस बनाने में, उसके आधार पे आंदोलन खड़ा करने में हम विफल हुए, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जाति के सवाल को हम इंपॉर्टेंस नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर जाति के सवाल को इंपॉर्टेंस नहीं दिए होते तो भूमि संघर्ष में जो समाज के दलित और पिछड़े हैं उनके बीच में भूमि नहीं बांटी जाती। आप बेगूसराय जाकर के देख लीजिए, आप भोजपुर का इलाका जाकर के देख लीजिए, जहां जहां भूमि संघर्ष हुआ है भूमिहीनों के बीच में भूमि बांटी गई है। और भूमिहीन कौन है समाज में? भूमिहीन समाज में दलित हैं, भूमिहीन समाज में पिछड़े हैं। जाति के सवाल को हमने समझा, यहां तक कि अभी आज का मैं उदाहरण दे देता हूं, क्या सबरीमाला आंदोलन में वहां लेफ्ट पार्टी की सरकार है, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? फिर कोई हम पे ये आरोप लगा दे कि आप रिलीजन को के एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ये बात नहीं है। हमारे नैरेटिव में हम ये मानते हैं कि रिलीजन और कास्ट समाज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन वो समाज की सच्चाई है, ये हम स्वीकार करते हैं। और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि भारत में यदि वर्गीय आधार पर समाज का की विवेचना की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समाज का सर्वहारा, इस समाज का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला और आदिवासी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप किसान और मजदूर की बात करेंगे, खास करके आप खेतिहर मजदूर की बात करेंगे, तो उसमें सारे के सारे दलित और महादलित समुदाय के लोग हैं जी। बात यह है, रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल आता है, ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है, कोई लोगों को याद नहीं होगा। सीपीआई अभी की बात करें ना, कन्हैया अभी की बात करें, अभी जिन 5 सीटों पर लोग उम्मीदवार आ रहे हैं उनमें महिलाओं की 5 सीट, ये तो हवा में बात है। 4 सीट मैंने इस 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट, कितनी सीट आप बताई दीजिए, हम लोग हेडलाइन। इस मामले में तो मंच से एक बात स्वीकार करनी चाहिए कि एनडीए का जिस तरीके से सीट का समझौता हुआ है, ये सीखना चाहिए हम लोगों को। एक्चुअली भाजपा 22 सीट जीती हुई थी, लेकिन गठबंधन जरूरी है, इस बात को वो जानती है, अकेले वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उस थूक करके चाटने के लिए तैयार है। जिस नीतीश कुमार का डीएनए खराब बता रहे थे उनके साथ वो अलायंस कर लिए, और अलायंस किस बात पे हुआ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 22 सीट बीजेपी जीती हुई थी, 5 जीती हुई सीट छोड़ दी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक सीट नहीं है, जो सीट है ही नहीं हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ये जो इलेक्टोरल बेसिस पे पॉलिटिक्स को समझने का एक नजरिया समाज में पैदा हुआ है वो खतरनाक है, और इस खतरनाक परिस्थिति को हमको समझना चाहिए कि 14 साल भूख हड़ताल की इरोम शर्मिला, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 90 वोट आए थे उनको। तो इस आधार पे अगर हम डेमोक्रेसी को लिमिट कर देंगे, इसका मतलब इरोम शर्मिला के 14 साल के भूख हड़ताल का कोई मतलब ही नहीं है। सीट की जहां तक बात है, सीट को लेकर के सीपीआई ने एक लिस्ट दिया है, अभी उस पर बातचीत कहां हुई है, अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन कहां हुआ है? अच्छा, और कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं हुआ और हम फाइनल ओपिनियन बना करके बैठ गए। नहीं नहीं, फाइनल नहीं, हमारा ये समझदारी चर्चा चल रही है, हमारी समझदारी क्या है, मैं ये आपको बता देता हूं। हमारी सीधी समझदारी है कि आज के वक्त में भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है, और ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है, भाजपा हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकती है। भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है,
और अभी की इतिहास को मैं छोड़ देता हूं कि उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया, तिरंगा झंडे को जलाया, इन बातों को हम छोड़ देते हैं। अभी दिल्ली में दिन दहाड़े 15 अगस्त से ठीक पहले संविधान की कॉपी जलाई गई और उस मामले में ना पुलिस ने कोई FIR किया, ना किसी की गिरफ्तारी हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं सरकार सीधे तौर पे उसको प्रश्रय देती है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या अल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आप बताइए। देखिए भाजपा को गाली देना बहुत आसान है, आज तो सबसे आसान है। नहीं, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा को गाली देने वाले लोगों की हत्या हो जाती है, गौरी लंकेश का उदाहरण आपके सामने में। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन भाजपा में, क्योंकि भाजपा की कई सारी बातों पर सुबह से हम लोग यहाँ शाम हो गई, बहुत सारी बातें आ गई। आप जो बात कह रहे हैं वो भी हम लोगों ने हजारों बार सुनी है। हम आज आपको यहाँ इनवाइट किए ये जानने के लिए कि आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, अगर ये काला समय है, संविधान विरोधी समय है, इससे निकलने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, चुनाव हमारे लिए कैरियर नहीं है, ना पार्टी के एग्जिस्टेंस को बचाने का सवाल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ, चुनाव एक मौका है कि इन संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से बाहर किया जाए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? गणित मेरा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मोदी जी से ठीक है, वो 600 करोड़ मतदाता गिन लेते हैं, वो 600 करोड़ मतदाता गिन लिए थे। हम ये कहते हैं कि मोदी जी की तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद क्या इस बात को कोई इनकार करेगा कि 2014 के मुकाबले मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है? इस बात को कोई इनकार नहीं करेगा। तो उनको आए थे, कौन मान रहा है? आप ये सिर्फ चंद लोग भी यहाँ पर शायद सब नहीं मानेंगे उनकी लोकप्रियता। चलिए उतनी ही लोकप्रियता है, ठीक, शायद बढ़ गई है पुलवामा के बाद, ये कहा जा रहा है कि बढ़ गई है। अच्छा ठीक है, नहीं बढ़ी है, ये बिहार में ही सिर्फ ये स्वर सुनाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, चलिए हम आप ही की बात मान लेते हैं कि 31% उनको 2014 में वोट मिले थे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके इनको सत्ता से बाहर किया जा सकता है, अगर 32% वोट का कंसोलिडेशन कर लिया जाए। तो कैसे होगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, नहीं, कैसे होगा सर? होगा, हो रहा है। आप तक सीट, आप महागठबंधन के साथ आप लोग आ नहीं रहे हैं, ये कैसे, ये कौन बता दिया? हम बस पूछ रहे हैं, मेरा सवाल, मेरा प्रश्न है, हम आपको बता देते हैं, आप है महागठबंधन के साथ। हम सुनिए, हम चुनाव लड़े या ना लड़े, हमारी पार्टी लड़े या ना लड़े, लेकिन देश के पक्ष में भाजपा विरोधी जो वोट है उसमें 1% भी बंटवारा हम लोग तो नहीं अगर, करने जा अगर, रहे अगर अगर ये बात आप नहीं नहीं तो एक बात सुनिए, अगर आपकी उम्मीदवारी बेगूसराय से तय नहीं होती है, हो जाती है CPI के थ्रू और RJD इस पे अग्री नहीं करता है, तो आप हट जाएंगे, आप नहीं लड़ेंगे? देखिए ये तो सबसे पहले यही सवाल है ना, ये तो सारी जो है पॉसिबिलिटी की बात है कि अरे पॉसिबिलिटी, राजनीति इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। अगर आपके हाथ में ज्यादा आपको कौन जाने, अगर आपके हाथ में अलादीन का चिराग हो तो आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, आप दूसरे नेताओं की तरह सवाल को घुमाइए मत, क्योंकि आपसे अपेक्षा है कि आप ईमानदारी से सवाल का जवाब देंगे कि क्या आप पीछे हट जाएंगे। आप मुझे जो है उस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं ना, जिसका सवाल मुझे पता है ना जवाब पता है। एक बात मुझे बताइए, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यहाँ, तो मुझे क्या पता कि मीटिंग में क्या चल रही है? इतने मासूम मत बनिए, सही बात है। नहीं नहीं, आप दिखते मासूम हैं और आपकी मासूमियत पे हम सब कायल हैं, पर राजनीतिक रूप से आप मासूम नहीं, आप काफी शातिर होना चाहिए तभी आप लोकप्रिय हैं। आप ये बताइए, आपको एक बात, एक सवाल, सीधा सवाल था कि क्या जो जिसे आप फांसीवाद ताकतें कह रहे हैं उसे हराने के लिए क्या लेफ्ट पार्टीज, और सिर्फ MCPI की बात करेंगे, किसी भी हालत में महागठबंधन के साथ रहेगी? उसके देखिए सबसे पहली बात, ये नैरेटिव बनाना बंद कीजिए, ये महागठबंधन 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 क्या है? ये नैरेटिव ये है कि इस देश में संविधान विरोधी मोदी सरकार है, उसके खिलाफ देश की जनता है। पहले ये बात बोलिए, ये बात बोलना शुरू की, देश की जनता है तो वोट करेगी, और उल्टा मत बोलिए। 23 मई को देश की जनता क्या चाहती है वो पता चल जाएगा। आप क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं आपको बता रहे हैं, ये बताइए। हम समझते हैं कि 2019 का चुनाव सच और झूठ के बीच में है, इस देश की जनता का हक और लूट के बीच में है। हक और लूट के बीच की जो ये लड़ाई है, हम हक के साथ खड़े होंगे और लूट के खिलाफ खड़े होंगे, हमने ये तय कर लिया है। चुनाव में सीट मिले ना मिले, हमको या किसी को सीट मिले ना मिले, लेकिन ये राजनीतिक जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम भाजपा को जिताने में कोई मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा को जिताने में जो लोग मदद करेंगे
वो इतिहास के साथ धोखा करेंगे और उनका नाम इतिहास में धोखेबाजी करने में लिखा जाएगा। भाजपा को मदद नहीं करने के क्या मायने हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं। मायने सिंपल है जो मैं आपको बता रहा था, मतलब? आप भी बोलने नहीं दिया अर्णब गोस्वामी की तरह। अरे नहीं 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 सर, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था ये कि 31% उनकी पूरी लोकप्रियता को मान लिया जाए तो उसके मुकाबले 32% कम से कम वोट हम लोगों को कंसोलिडेट करना है। वोट कंसोलिडेशन के लिए और आपके अगर को हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि सीपीआई को एक भी सीट नहीं मिला और हमको कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो चुनाव लड़ना कौन सा मेरे लिए कैरियर का सवाल है। पीएचडी करके आए हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देंगे, कैरियर तो इससे बन नहीं रहा है। इसमें हमारी सिंपल समझदारी है कि सारी की सारी सीटों पर जो भाजपा विरोधी और देश के पक्ष में मोर्चा बनेगा उस मोर्चे के साथ खड़े होंगे और घूम घूम करके उसका प्रचार करेंगे, ये हम आपको स्पष्ट करते हैं। अगर ठीक है, लेकिन तो बेगूसराय में किसके लिए प्रचार करेंगे आप? बेगूसराय में किसके लिए प्रचार करेंगे आप? बेगूसराय में जो जो मोर्चा बनेगी, जो प्रत्याशी होगा उसके लिए प्रचार करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब मेरे ख्याल से आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया से आप सवाल कर सके, 7 बजने वाला है तो हम ये फ्लोर खोलते हैं। शुरुआत भूमिका नहीं, उनको एक बार सवाल पूछने का मौका मिल चुका है, मेरी कोशिश होगी। पीछे से शुरू करें, पीछे से। ठीक, भूमिका, अच्छा दो उनको दो। हेलो, मेरा वादा याद है, अभी आते हैं। कन्हैया जी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी को हम इस तरह से हरा देंगे, उनके विरोध में प्रचार करेंगे या और लोगों का जनसमर्थन जुटाएंगे, तो लेकिन लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है, आपने एक बात बहुत सच बोली कि ये लड़ाई सच और झूठ के बीच में है, लेकिन लोगों के बीच में जो धारणा बन चुकी है उस धारणा को आप किस तरीके से खत्म कीजिएगा? पहले तो ये बताइए कि आप हमको लोग मानते हैं कि नहीं। हम लोग, हम आपको एक व्यक्ति मानते हैं। वही वही, तो हम भी तो इसी समाज के हैं ना, हम तो मंगल से आए नहीं हैं, एलियन नहीं हैं, इसी समाज में रहते हैं। दूसरी बात कि बन चुकी है, इसको कैसे हराएंगे? देखिए, ये धारणा रोज 9 बजे रात को बनाई जाती है, आप जब मोबाइल खोलते हैं तब ये धारणा बनाई जाती है। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी की इतनी लोकप्रियता है, सच में मोदी जी शेर हैं और अतेला चलते हैं ऐसा वो उनके समर्थक बोलते हैं, तो 29 पार्टियों का गठबंधन क्यों किया गया है बिहार में? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बिहार में जहां कोई एक सीट देने को तैयार नहीं है वहां वो 5 सीट छोड़ करके क्यों गठबंधन कर ली है? और सामना, इस बात को याद रखिएगा, सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें लिखा गया कि चौकीदार चोर है। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री को अपने नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए और खुद के आत्मसम्मान में यह कहना चाहिए कि जब तक शिवसेना माफी नहीं मानेगी तब तक उसके साथ महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं करेंगे। इसको लिटरली बिहारी में कहते हैं थूक कर चाटना। ठीक है, यह गठबंधन वो क्यों कर रहे हैं अगर वो इतना कॉन्फिडेंट हैं? तो यह गठबंधन वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि इस देश की जनता, याद कीजिएगा मेरा आंकड़ा गलत नहीं है, इस देश की जनता 2014 में भी 69% जनता जो है मोदी जी के खिलाफ थी और आज वो संख्या बढ़ी है। प्रॉब्लम यह है कि यह जो मोदी जी के खिलाफ जनता है, जो देश के हित में जनता है, उस जनता के वोट को बर्बाद कैसे किया जाए इसकी प्लानिंग चल रही है। उसके खिलाफ यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं, क्या उस आदमी को हराइएगा जो पहले से हारा हुआ है? एक एग्जाम्पल सुनिए, मैं एक साधारण परिवार से हूं, ये आपको पता नहीं क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, लेकिन आप मेरा घर चल करके देख सकते हैं, उस आदमी को हम पहले ही हरा चुके हैं। अगर हराए नहीं होते ना तो आज इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते, इस बात को आप समझ लीजिए। वो कोई अजय आदमी नहीं है, वो कोई अजय आदमी नहीं है, कॉर्पोरेट के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है और आपको मालूम है कि ब्रांडिंग में ग्राहक ठगी जाती है, उसी तरीके से देश की जनता को ठगा जा रहा है। ठीक है, आप कन्हैया जी से, कन्हैया आपको यही इसी मन से ये वादा करना पड़ेगा कि 23 मई के बाद आप एक बार फिर इस तरह का कार्यक्रम हम लोग के साथ करेंगे और ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक सवाल, एक सवाल, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं इसलिए हम सवाल और जवाब छोटे छोटे रखेंगे। हाँ ठीक है, नीरज जी से भी, अच्छा ठीक है, हम आते हैं नीरज के पास, पहले इनसे सवाल पूछ ले, बहुत सारे सवाल हैं, हम सवाल छोटे रखेंगे, कन्हैया जवाब भी आप थोड़ा सा संक्षिप्त देंगे। जब आपके ऊपर दमन चल रहा था और जिस तरीके का प्रोटेस्ट आपने किया तो हम लोगों को ये उम्मीद जागी थी
कि एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट वाला पॉलिटिकल लीडर हम लोगों को मिलेगा और वी आर इन द होप यू विल मेक अ पार्टी और अ पॉलिटिकल आउटफिट। बट खैर आप काडर से जुड़े हुए हैं एंड इट इज़ अ स्पेकुलेशन, ये एक स्पेकुलेशन भी है कि यू विल फाइट द इलेक्शन फ्रॉम द बेगूसराय सीट। मैं तो ये उम्मीद करता था कि आप मोदी जी को हराने वहाँ जाएंगे जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। व्हाई यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम बेगूसराय सीट? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जीवन में कभी किसी से अंधा उम्मीद मत कीजिएगा। आप मुझे कितना जानते हैं? आप मुझे जानते ही नहीं हैं, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। यू नो दैट कन्हैया विच वॉज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मीडिया पीपल। आई एम टेलिंग यू सिंपली, आप समझिए, आप मुझे नहीं जानते हैं और बिना जाने इतना उम्मीद पाल लीजिएगा तो फिर मोदी की तरह आपको कोई बेवकूफ बना करके चला जाएगा। कन्हैया आप यूथ हैं सर, आप यूथ हैं और हम यूथ हैं, हमको एक बात समझनी चाहिए। ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि कोई रहनुमा आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा, ये खतरनाक है। ये करिश्मेटिक पॉलिटिक्स जो है ये खतरनाक है। ये करिश्मा वरिश्मा कुछ नहीं होता है। जब तक हम डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर हम शक नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इतना टफ सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि उसकी सारी सच्चाई सामने फ्लोर पे आ जाए, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आप बेगूसराय छोड़ के कहीं और से लड़ेंगे? वो पूछ रहे हैं, उनका एक बहुत उनकी दिली तमन्ना है और उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप बेगूसराय से न लड़े, आप वहां से लड़े जहां मोदी जी खड़े होंगे। तो आप उस हाँ। मतलब क्या आप बता दीजिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? माने हम कहां कहां से लड़ेंगे? आप बेगूसराय छोड़ दीजिए, वहीं से लड़िए जहां से वो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात सवाल, हाँ ठीक है, जवाब दे रहे हैं सर, बताइए। सॉरी करिए। अच्छा ठीक, पूछ लीजिए, फिर तो सवाल ही आएगा। सवाल है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सवाल आते जाए। हेलो, हाँ सटीक सवाल। अजीत कुमार फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल ये है कि बिहार के राजनीति को आप बहुत अच्छी से जानते हैं, तो बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव की क्या भूमिका है आने वाले विगत राजनीतिक जीवन में? क्योंकि और मेरा ये पॉइंट जरूर कॉन्टेक्स्ट, ये सवाल तो तेजस्वी जी से पूछिएगा ना। ये क्योंकि आप दूसरे जैसे मोदी के बारे में आप अपनी तो तेजस्वी जी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? ओपिनियन तेजस्वी जी जैसे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता नहीं है भाई, हम और एक बात जो आपका अलायंस हो रहा महागठबंधन का एक शीर्ष नेता है। हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरजेडी के भी यहाँ सीनियर लीडर मौजूद हैं, उनसे पूछे थे वो बोले कि वो विरासत में उनको ये जगह मिली है। तेजस्वी यादव क्या जवाब दिया? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, मेरा क्वेश्चन सुन लिया जाए। सुनिए आज, लेकिन आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी जी के बारे में क्या बताया आप हमको बताइए? वो तो बहुत सारी बात बोले, क्या बोले? वो बोले कि उनको एक दो बात बोलिए ना, एक दो बात बोलिए, मैम ही बता देंगे। मेरा जो क्वेश्चन है मैम, नहीं आप पूछिए ना मैम, मेरा तो देख लीजिए कि तेजस्वी यादव के बारे में आपकी बिहार तेजस्वी यादव के बारे में बिहार के राजनीति में या एज ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी क्या ख्याल है? क्योंकि तेजस्वी यादव हर एक छोटे से बिहार के क्राइम हो या कोई भी घटना को ट्विटर पे देते हैं, ट्वीट करते हैं, बट जब आपके साथ कोई घटना हुआ, जैसे एम्स में आपके साथ घटना हुआ था, बेगूसराय में भी हुआ था, तो वो आपको एक एज ए लीडर तो मतलब उनको इतना फुर्सत है कि इतना छोटा छोटा चीज पे ट्वीट करेंगे? छोटा छोटा आप अपने को छोटा क्यों समझ रहे हैं? हम छोटा ही है तो छोटा नहीं समझेंगे अपने आप को? तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? युवा नेता हैं, अभी युवा हैं। मेरी राय तेजस्वी जी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। यह देश युवा है, युवाओं के हाथ में प्रतिनिधित्व जाना चाहिए और यह अच्छी बात है कि आरजेडी का नेतृत्व उनके हाथ में गया है। इसका स्वागत लोगों को करना चाहिए और मैं लगातार जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लगातार उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी निखरी है, उनके भाषण में पैनापन आया है और अपने विरोधियों के बहुत तरीके से वो जवाब देने लगे हैं। रही बात कि वो बिहार के लिए क्या करेंगे, तो ये बिहार की जनता जब जिम्मेदारी सौंपेगी तब पता चलेगा ना कि वो क्या करेंगे। ओके जी, कहाँ है दूसरा सवाल? सरप्रिया कौन पूछ रहे? हाँ प्लीज पूछे, सवाल पूछे कर दो, माइक ऑन करें प्लीज। हाँ एक मिनट प्लीज, एक एक करके अगर आप शांति से सवाल पूछेंगे और कन्हैया उनके छोटे छोटे जवाब देंगे तो हम बहुत सारे सवाल ले पाएंगे। जी पूछिए। हेलो, मेरा नाम स्वजल है और मैं टिस मुंबई का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी पटना में सामाजिक इश्यूज पे काम करता हूँ। तो
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कन्हैया ये कहा जाता है कि आपको अपने जात का बहुत फायदा मिला, जैसे अनिर्बान और उमर खालिद भी आपके साथ इस मामले में फंसे थे। उमर अनिर्बान की क्या जात थी? नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या थी पहले बता तो दीजिए। ये मुझे नहीं पता, मैं इसमें नहीं मैं कास्टिज्म और इस सब चीजों में बहुत फिर भी आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास लगाए जाते हैं कि आपको अपने जात की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलरिटी मिली, तो आप इससे कितना सहमत रखते हैं या फिर नहीं? और दूसरी सवाल ये कि जैसा आपने कहा कि ये मीडिया जो जिस तरह से दिखा रही है, जो प्रचार जिस तरह से बढ़ा है, और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज जो आई हैं, जिस तरह से नेताओं को बेच रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा आपका बेस्ट है, तो आप कितना समझ आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रचारवाद बढ़ा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज के रूप में, वो कितना जिम्मेवार है लोगों के सपनों को बेचने में और हम लोग हमारे हम युवा हो गया, आपका सवाल समझ में आ गया, आपका सवाल समझ में आ गया कन्हैया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि मैं इस पूरे खेल में शामिल नहीं हूँ, मैं उस खेल का शिकार हूँ। अब आप उसको यूँ समझ लीजिए कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है और मैं जो है बैठ करके मैच देख रहा हूँ। उधर से बल्लेबाज आउट होकर के आया और कहा कि लो बैट पकड़ लो, हमको क्रीज पे खड़ा कर दिया, सामने से बहुत तेज फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या करते, मुंह तुरवा लेते या हाथ में बल्ला है उसको इधर उधर ठीक से प्लेस कर देते बॉल को। तो हमने सिर्फ इतना ही किया है, मैं आपको बता देता हूं, मीडिया ने बकायदा, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मेरी पूरी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को एक टारगेट बनाया गया, सॉफ्ट टारगेट, जैसे इस देश में अलग अलग समुदाय को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। और चूंकि मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था तो मैं भी उसके मुहाने पे आ गया, लेकिन टारगेट हमारी यूनिवर्सिटी थी। इस बात को नोट कीजिएगा, आप थोड़ा रिसर्च करने वाले व्यक्ति नजर लगते हैं, नहीं दाढ़ी देख के नहीं बोल रहे हैं, लगते हैं आप तो वो जो है आप इसको देखिएगा, ये घटना जो है 2 फरवरी की है, ये जो तथाकथित देश विरोधी नारे की घटना है, और RSS का जो मुखपत्र है पांचजन और ऑर्गेनाइजर, उसका नवंबर का, फरवरी से पीछे का नवंबर का अंक देख लीजिएगा, उसका जो कवर स्टोरी है, आप सब लोग भी नोट कीजिएगा, बिहार के लोग, उसका कवर स्टोरी का टॉपिक था JNU दरार का गढ़। और अभी जो रोस्टर सिस्टम को लेकर के लड़ाई हुई है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उसका सेंटर भी JNU था। रोहित वेमुला को लेकर के न्याय की जो लड़ाई हुई, उसका सेंटर भी JNU था। इस देश में जो मॉब लिंचिंग शुरू हुआ, उसका सेंटर भी JNU था। तो JNU हमेशा से सामाजिक सवालों को लेकर के मुखर रहा है, और यह सरकार जिन सामाजिक मुद्दों को दबाना चाहती है उसके चलते JNU को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। रही बात कि आपकी जाति की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इस बात से आप कन्विंस होते हैं? एक बात मुझे बताइए कि आपकी जाति क्या होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका है? अगर मेरी जाति का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए, मेरा रूपा झा है तो कई जगह पर हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान महिला होने का, नुकसान महिला होने का नुकसान नहीं। आप 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं नहीं वह बात वो नहीं है, बात वो नहीं है मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इससे आप इसको आप नकार क्यों? उसका नुकसान नहीं होता है वो, आप कह रहे हैं कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है, होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं आप हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं कन्हैया, आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं 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 ऐसा थोड़ी है। आप सवाल का जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ, आपने कहा कि नहीं, हम यूथ लीडर नहीं ना है, हम तो हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और आप हम और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना, कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब आप दिल पे मत लीजिए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं ले, जो देश में सिचुएशन है हम उस पे बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा होता है, ये नैरेटिव की हमारी खास जाति है उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है, और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है, और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूँ, ये मानते हैं नहीं मानते हैं? ठीक है ओके। देखिए मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा,
मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है, और मैं बताता भी नहीं हूँ। मुझे अपनी माँ को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरे साथ मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्नआउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, 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 और हमारी बेटी की शादी में, सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता। क्या बात करते हैं सर, सामाजिक सच्चाइयों को ऐसे हमको ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। और अगर मुझे अपनी जाति का फायदा लेना होता, एक बात बताइए, तो मैं लाल सलाम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगा रहा होता। तो बहुत विचारधारा भी कोई चीज होती है। लाल सलाम, जय भीम बहुत देर से आया सर, पहले तो सिर्फ लाल सलाम था, वो तो बाद में आप लोगों को उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन आप भाई पार्टी के कार्डर हैं तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। एनीवे, एक और सवाल, क्योंकि हम बहुत सारा सवाल आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कन्हैया हम लोग बाद में भी बात करेंगे। और इकबाल प्लीज दें। हाँ, प्रिया कुमारी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। कन्हैया सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है, आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? मैं ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको बता। तो अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं? इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूँ, नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात जी है। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं, अगर ऐसा आपको लगता है, तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे, तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए, मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों, जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा, तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात सीएम व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात इज कंप्लीटली एडवर्स विद करंट पीएम। इन व्हाट सेंस? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा, जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे, आज क्या है, समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, नहीं कर रहे पर नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था, तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया, देश 2014 में नहीं बना है, देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 आप से पहले नहीं, भी नहीं, नहीं, आप, 2014 आप, से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ, पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ, मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं, ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना, तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया, ये हमको समझा दीजिए जरा सा। और रही बात आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, वो सवाल पूछे, हम आपको अपना अल्टरनेटिव बताएंगे। हाँ प्लीज, एक और सवाल, लेकिन हम सर, बस एक सेकंड, सवाल हेलो, आपके पास, हेलो आपके पास, हेलो। हाँ, भले बहुत संघर्ष के बाद मुझे माइक मिला, इसलिए बीबीसी न्यूज़ मुबारकबाद करता हूँ। सवाल पूछिए। बहुत सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से मैम पूछा जाता है, मैंने सुबह से संघर्ष करता, मुझे भी माइक मिले, माइक नहीं मिला, लेकिन कन्हैया जी से भी एक सवाल है, पूछ लीजिए।
हम भी अभी आपके सामने सत्ता है, पूछिए क्यों, क्योंकि आपको संघर्ष करके माइक मिला, हमको फ्री में मिल गया। सवाल आपसे यह है कन्हैया जी कि आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसमें कोई शक? तो आप अपना माँ बाप बदल दें क्या? नहीं। तो सवाल मेरा यह है कि आप जिसके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी जिसके साथ करना चाह रहे हैं, आप जिसका समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी 10% से जो स्वर्ण का आरक्षण है उसका वो खुले आम विरोध करते हैं, क्या आप एक इसके अलावे वो कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले तो वो विरोध किए हैं कि स्वर्ण को 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र को ये लोग जानते हैं अट्ठा गुट्टी बना दी है। क्या आप सुनिए, लोकतंत्र अट्ठा गुट्टी थे? पहले सुनिए, सवाल पूछ के प्लीज बैठ जाइए। नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल भी पूरा नहीं हुआ। क्या आप एक गरीब समुदाय से 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे या नहीं? बस आपसे पूछा जा रहा है। आप पहले सवाल 10% देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है? ये जो सवाल आप इस तरह से पूछते हैं तो कम से कम सवाल तो ठीक से पूछ लीजिए, मेरा ये कहना है। देखिए, सवाल इतना संघर्ष से आपको माइक मिला तभी ठीक से सवाल नहीं पूछे, सही से सवाल तो पूछ लेते। आप ये कहते कि तेजस्वी जी ने कहा है कि वो 10% आरक्षण के खिलाफ हैं, आपका क्या पोजीशन है? तो मैं सिर्फ इसका जवाब एक लाइन में देता कि मेरा पोजीशन वो है जो मेरी पार्टी का पोजीशन है, सिंपल, मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ। दूसरी बात कि आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मुद्दे पर अलायंस नहीं होता है, लोग पता नहीं देश भूल गया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ एजेंडे तय किए जाते हैं, जिन एजेंडों पे सीधे सीधे असहमति होती है उस एजेंडे को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे एक राजनीतिक समझौता होता है। क्या आप हमको बताइए, देश का कोई नेता गरीबी खत्म होना चाहिए इसके खिलाफ होगा? नहीं होगा ना, तेजस्वी जी भी नहीं होंगे। तो इस पे हमको उनसे मिल करके संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप हमको बता दीजिए। देश की परिस्थिति क्या आपको बताइए। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस देश में राजनीति को WWF का मैच बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि दो रेसलर जो है आपस में कुश्ती लड़ रहा है, इसी से देश का मुस्तकबिल तय हो जाएगा, इसी से इस देश का जमहूरियत का भविष्य तय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस देश में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे आपकी हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे आपकी और हमारी सहमति होगी। यहाँ हमारी पार्टी का पोजीशन और तेजस्वी जी का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पोजीशन है जहाँ हमारी पार्टी का पोजीशन और RJD का पोजीशन एक है। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुजफ्फरपुर सेल्टर का केस जब हुआ, सेल्टर होम का, तो उसमें लेफ्ट पार्टी ने बंद का कॉल दिया और कांग्रेस और RJD उसके समर्थन में आई। उसी तरीके से जब तेजस्वी जी ने कॉल दिया दिल्ली में धरने का, तो उसमें हम शामिल होने के लिए गए थे। मुद्दों पर भी मोर्चा बनना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है? कन्हैया, पर मुद्दों पर ही समझदारी में ये NDA का चल रहा है ना सारा, तो आप उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बड़ा 29 पार्टी को साथ ले लिया, बहुत सारे नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो वो कहते हैं कि मोदी अकेला चलता है, ठीक है, शेर अकेला चलता है, सवाल नहीं कहते हैं, ठीक है जी जी, हम तो कहते हैं मिलकर चलो। सवाल पूछिए साथियों, लास्ट 5 मिनट्स रह गया। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन। कन्हैया जी, ऐसे नहीं, कन्हैया जी से मेरा ये सवाल है, वो JNU से जुड़े हैं, तो JNU से जुड़ा ही मेरा सवाल है। चंद्रशेखर जी पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष थे JNU में, और मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप सिवान जाइएगा और चंद्रशेखर जी की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन साहब के ऊपर लगा हुआ है, तो अगर आप महागठबंधन में रहिएगा तो क्या आप सिवान में हीना साहब के प्रचार के लिए जाइएगा या नहीं? यह मेरा सवाल आपसे सीधा ही मैं पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रशेखर जी कौन सी पार्टी में थे, ये आप हमको बता दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, ASF में नहीं थे। आप गलत बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। अचानक से क्या हुआ है कि चंदू के प्रति भाजपा का प्रेम उमर रहा है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि ये प्रेम आ क्यों रहा है। ये प्रेम इसलिए आ रहा है कि इनको ये बात पता है कि अपोजिशन जितना बटेगा उतना हमको लाभ मिलेगा। जवाब दे रहे हैं दोस्त, जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो आपको ये नहीं पता है कि चंदू CPI-ML लिबरेशन के लीडर थे, और CPI-ML लिबरेशन जो है वो RJD के साथ मोर्चे में जाने के लिए बातचीत में है। तो ये सवाल आप सबसे पहले तो गलत आदमी से पूछ रहे हैं।
हम CPIML लिबरेशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप JNU से संबंधित ये सवाल पूछना चाहते हैं, JNU से संबंधित आप सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भी पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी पूर्व अध्यक्ष थे, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे लिए चंदू के विचारों पे चलना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई व्यक्ति का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। और चंदू का विचार ये था कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमको जिसके साथ भी चलना पड़ेगा हम चलेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए है। ये अच्छा ठीक है, आप बस एक सेकेंड। हम ये जानना चाह रहे थे, पीछे इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, किसी को सवाल पूछना है कन्हैया कुमार से? टिक टिक वन, टिक टिक टू, नहीं वेट, नो वेट, कोई पीछे, कोई जो लड़कियां अच्छा, बैठी हैं उनको सवाल है, हम भी एक सवाल पूछें क्या? हाँ उनके पास है, प्लीज सरप्रिया। अच्छा सबसे पहले किनको सवाल पूछना, उनसे हम भी एक सवाल पूछें। और सवाल अब नहीं ले सकते हैं सर, हम ही, आप भी लेट होंगे, सब लोग लेट होंगे, हो गया ना? हेलो, आ गया, सब सवाल आ गए, सवाल उनसे ले लो यार, वो खड़ी है, वो भी बहुत देर से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो सभी लोगों का हो गया संघर्ष। मेरा नाम स्वाति प्रिया है, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम जो होता है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए होता है, जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, एक प्रिलिमिनरी होता है और एक मेंस होता है। तो हमारे देश में पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो हमारे देश का भविष्य अपने हाथ में रखते हैं, तो पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए मिनिमम? सर कोई भी पॉलिटिशियन बन जाता है, एक आठवीं पास भी पॉलिटिशियन बन जा रहा है, तो हमारा सवाल समझ में आ गया, जवाब हम छोटे में चाहेंगे। सर बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या जब आप सत्ता में आते हैं तो कुछ करते हैं इस टॉपिक पे? सवाल हो गया, जवाब भी छोटे में, कन्हैया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो क्वालिफिकेशन की बात की है, उस क्वालिफिकेशन में जो क्राइटेरिया का बात किया है वो नौकरी पाने के लिए है, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। रही बात कि देश में नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देश में नेता बनने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होता है कि देश की जनता किसको अपना नेता मान रही है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा टफ क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। रही बात दसवीं और बारहवीं की, यह उससे ज्यादा टफ क्वालिफिकेशन है कि देश की जनता को अपने नेतृत्व पर भरोसा दिलाना और उनके मुद्दे पर लड़ने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता पैदा करना। ओके, हाँ आप पूछिए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, एक सेकंड, आ जाइए, लास्ट टू बताइए। हाँ पप्पू यादव को आप महागठबंधन में शामिल करना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं। ये किससे पूछ रहे हैं? हम अच्छा, महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर थे, ठीक है। ओके।